सभी को, मैं सत्य प्रधान और आप देख रहे हैं डिंडोरी ट्रेंड। और हम आज आप लोगों को जो हमारे डिंडोरी से दीदी हैं अर्चना मार्को, जिन्हें पूरा डिंडोरी जानता है और उनका एक अच्छा खासा फॉलोअर्स है, और हमारे साथ में है मध्यभूमि के बोल के संपादक चेतराम भैया। भैया हाय करो। हाय। और ये आप पीछे देख रहे हैं दीदी। जय जोहार सब छला, मैं अर्चना सिंह मार्को डिंडोरी से, और कहीं बोलो भैया की चैनल ला लाइक कमेंट शेयर करते हो और चैनल ला सब्सक्राइब करते हो ज्यादा से ज्यादा। भैया लोगों को अभी आगे लाना है, और अभी हम जाथन कहा भैया रे इधर, भैया रे मोला जाथे छोड़े ला, बाकी लौटते टाइम मिलबो सब छला, तो आ जाओ भाई मिले ला सब छला मिले ला। और कहीं बोलो बाकी भैया आप बोलिए। आप तो इनको जानते हैं और हमारा वीडियो आप लोग देखें और हमें भी थोड़ा सा ग्रो करें, ताकि आप लोगों के बीच हम भी बहुत कुछ कर सकें। और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें और जो भी चीज़ें हैं आप लोगों तक पहुँचाएं, और सामाजिक मुद्दे और एंटरटेनमेंट के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और बाकी डिंडोरी में और बहुत कुछ करने के लिए है, साथ ही सब मिलके करेंगे। बाकी पहली बात ये कि आप लोग हमें फॉलो करो, फॉलो करो, करो। और सत्य हमारा डिंडोरी का हीरो है, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनको सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक यू। बाकी अभी तो ये शेरनी पीछे बैठी है, अभी मेन तो मेन लीड में यही चल रहे हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और इसी कारण लोग जान पा रहे हैं मुझे, फोटो खींचने लगे इतने देर से वीडियो बना। अरे तो थंबनेल के लिए वाओ कितना सुंदर व्यू है, दिखाइए नमक लाल लाल लोग वहाँ। हाँ ठीक, हाँ महुआ का। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ, कंको कंको मोहनिया। तो ये कमको मोहनिया और ये भानपुर से जो रास्ता है, इसमें इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं हमारे वीडियो में आके। तो आपको दिखा दीदी, और ये देख सकते हो आए नहीं पाए सर, पेज भाजी में भिड़ गए दिग्गी भैया के यहाँ। क्या भाजी है? चरोटा की चकोड़ा, चकोड़ा का थी हमारे घर, चरोटा कब है हमारे यहाँ चकोड़ा बोलते हैं इसको। और ये लुंगसी कुकुर्ती सही है। तो अब हम दीदी को यहीं छोड़ के निकल रहे हैं दिग्गी भैया के घर, और जो कि आप ये देख सकते हैं, ये इतना बड़ा घर जी आप देख सकते हैं, पूरा हरा भरा। भाई मुझे तो बहुत पसंद है ये, पूरे तरीके से इसको हरियाली से भर चुके हैं भैया घर को, और उस तरफ नल भी लगा हुआ है। और आपको बता दें ये कदम का पेड़ है, जो कि इसके जो ये फूल हैं ये बहुत ही ज़्यादा खुशबू देते हैं, और इसका जो सुगंध है वो लगभग मोगरे जैसा ही है। तो फर्स्ट टाइम मैं इसको जाना हूँ कि ये कदम का पेड़ है। एक बार और आया था, दो बार और आया था, लेकिन उस बार मैं थोड़ा नहीं जान पाया था कि ये कदम का पेड़ है। पर आपको बता दें ऐसा होता है, और इसके फूल इस तरीके से होते हैं, ये देख सकते हैं आप ये। और इसका जो
सुगंध है, फ्लेवर है, वो बिल्कुल मोगरे के फूल की तरह है। और चारों तरफ यहाँ पे हरियाली हरियाली। और तो ठीक है, हम अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।